तो स्वागत है एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपके पास रियलमी C21Y है या फिर C25Y है या C11 2021 है, तो आप किस तरह से ये जो नेविगेशन बटन है ना, इसको आप चेंज कर सकते हो, इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हो। तो नेविगेशन बटन चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होता है, और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे सिस्टम मिलता है नीचे में, तो आपको ऐसे स्क्रॉल करके सिस्टम पे चले जाना है। सिस्टम में आपको यहाँ पे नेविगेशन बार का ऑप्शन मिलता है, इस पे जाना है, और इसमें आपको आप देख सकते हो नेविगेशन बटन के 1 2 3 4 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पे अगर दूसरा वाला बटन अच्छा लग रहा है, यानी कि इस तरफ आपका रिसेंट और इस तरफ यहाँ पे होम और यहाँ पे बैक, तो कर सकते हो। अगर नेविगेशन बटन का स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, देख सकते हो कि इस टाइप का हो गया है आपका। ओके, यानी कि आपको जो पहले 1 2 3 4 बटन मिलता, 3 बटन मिलता था, अब आप यहाँ पे 4 बटन आपको मिलने लग गया है। और इसी तरह से 4 बटन का आप यहाँ पे चेंज कर फ्लिप कर सकते हैं इसको, यानी कि जो इधर था वो आपको इधर मिल रहा है और जो इधर था वो इधर मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक, यहाँ पे होम, यहाँ पे रिसेंट। ओके, अब ये वाला बटन क्या होता है ये? ओके, तो ये जो होता है ना, ये ओपन नोटिफिकेशन पैनल का होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, तो नोटिफिकेशन पैनल के लिए कितनी बार आपको ऐसे करना पड़ता है, तो बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं, वो एक ही हाथ से यूज़ करते हैं। तो एक हाथ से यूज करने में होता क्या है कि कई बार ना आपको ये इस तरह से करना पड़ता है। तो इतना करने की क्या ज़रूरत है, आप नॉर्मली यहाँ पे इस तरह से नोटिफिकेशन पैनल जो बटन होता है आप इसको एक्टिव कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चेंज करना है तो वापस से ऐसे ही चेंज कर लीजिए जैसे मैंने बताया अभी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।